संसद और शिक्षा मंत्री मौन है, लेकिन पटियाल चुप नहीं रहेगा। आज नीट पेपर लीक कवरेज का 20वां दिन है। पटियाल ने इस लिस्ट में आज एक और चैप्टर जोड़ लिया और वो है CUET अंडर ग्रेजुएट का। उसका नाम भी मैंने लिख लिया है। उसका रिजल्ट 30 जून को आना था, ना तो रिजल्ट आया और ना ही सरकार कुछ बता रही है। नीट के भंवर में देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन भी अब फंसते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पहले नीट पेपर लीक में फंसे 24 लाख कैंडिडेट्स की चिंता का परीक्षण करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 जून को 1563 कैंडिडेट का दोबारा नीट एग्जाम हुआ था, जिसके नतीजे आ गए हैं। 1563 कैंडिडेट के रीनीट एग्जाम में ओवरऑल रैंक कितना बदला और क्या यह बदलाव हुआ भी है या बड़े स्तर पर हुआ या कम पर? क्या 1563 कैंडिडेट के रिजल्ट से देश भर में हुई धांधली के सुराग मिलेंगे? इसके बारे में पटियाल का यह खास परीक्षण है। आज पटियाल शिक्षा मंत्री को यह आईना दिखाएगा, सरकार से यह पूछेगा कि NTA के फेलियर पर शिक्षा मंत्री कब तक पर्दा डालते रहेंगे। और हां, एक बार और बता दूं आपको, मैं आज से पटियाल CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के 13 लाख कैंडिडेट्स की चिंता पर भी सरकार से सवाल पूछेगा। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार फेल हो रही है, लेकिन लीक प्रूफ नीट कराने में एजेंसी फेल हुई है। फिर पेपर में सेंधमारी के चलते नेट का एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा उसको, और अब NTA CUET अंडर ग्रेजुएट का नतीजा भी घोषित नहीं कर पाई है। लेकिन सरकार की लिस्ट में यह मुद्दा शायद महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी ने संसद में नीट पर भाषण दिया, लेकिन उनकी प्राथमिकता थे शंकर भगवान के पोस्टर। राहुल की कोशिश मोदी सरकार को हिंदू विरोधी साबित करने की रही। राहुल ने संसद में नीट पेपर लीक को कैसे रखा और इस पर क्या कहा, अब वो सुनिए। इसके बाद नीट की नई रैंकिंग और नीट पेपर लीक कराने वाले आरोपियों पर CBI के एक्शन का परीक्षण करूंगा। नया फैशन निकला है, नीट 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 प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है, कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स 7 साल में 70 बार पेपर लीक। दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। अब नीट के दोबारा हुए एग्जाम में आए नतीजों की जांच और उससे क्या कोई बड़ा खुलासा हुआ है इसकी परीक्षण करेंगे। 4 जून को जब नीट का रिजल्ट आया तो ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के रैंक और रिजल्ट पर सवाल खड़े किए गए। टॉपर्स की संख्या भी सवालों के घेरे में आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट्स को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन यह था कि ग्रेस मार्क्स हटाकर रिजल्ट स्वीकार करें, और दूसरा ऑप्शन यह था कि सीमित लोगों के लिए दोबारा एग्जाम हो। 23 जून को जब दोबारा एग्जाम हुआ, 1563 में से सिर्फ 813 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने पहुंचे। 813 कैंडिडेट के नतीजे सामने आ गए हैं तो पटियाल ने नतीजों के 3 अहम बातों का परीक्षण किया। पहला, एग्जाम देने वालों के नंबर कम हुए या ज्यादा हुए। दूसरा, नंबर में आए फर्क से कैंडिडेट की रैंकिंग में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। और तीसरा, 813 के नतीजों के आधार पर नीट रिजल्ट की सच्चाई का परीक्षण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मतलब यह कि पटियाल ने ओवरऑल रैंक में हुए बदलाव की पड़ताल की। पटियाल की पड़ताल में सामने यह आया कि जिन 813 छात्रों ने दोबारा एग्जाम दिया है, उनके रैंक में औसतन 30 से 35 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। रैंक में बदलाव बहुत मामूली है। रैंक में बदलाव को 3 कैंडिडेट्स के जरिए समझिए। कैंडिडेट हरेंद्र ने जब पहली बार नीट का एग्जाम दिया तो उसका रैंक था 144,323।
लेकिन 23 जून को जब रीनीट दिया उसने तो हरेंद्र की रैंक 144,285 हो गई। हरेंद्र की रैंक में 38 अंक की बढ़ोतरी हुई। कैंडिडेट विकास ने भी जब पहली बार नीट का एग्जाम दिया था तो उसका रैंक था 49,515, लेकिन रीट नीट में विकास की रैंक 49,481 हो गई। विकास को रीनीट में 629 अंक मिले हैं। रीनीट देने के बाद कैंडिडेट अंशिका के रैंक में भी मामूली बदलाव हुआ है। पहले अंशिका की रैंक 37,047 थी और नई रैंक उसकी आई है 37,009। अब पटियाल के दिमाग में एक बात आई, अगर इस एग्जाम को मॉडल बनाए और इसके आधार पर नीट के पुराने रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाए तो क्या कोई फर्क आएगा? अगर 813 कैंडिडेट के रैंक में औसतन 30-35 अंक का बदलाव आया है तो नीट के कुल क्वालिफाई 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट की रैंक कितनी बदल सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पटियाल ने नीट एक्सपर्ट अनिल नागर की मदद ली। आप भी सुनिए, इसमें रीनीट की मांग करने वालों के लिए बड़ा जवाब भी है, क्योंकि संभव है सरकार इन नतीजों को उस याचिका के जवाब में कोर्ट के सामने रखे जो रीनीट की मांग कर रहे हैं और सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। एक चीज देखने को मिली है कि नीट में एक एक नंबर से कितना बड़ा खेल हो जाता है, अब पटियाल आपको ये बताएगा। आज जोधपुर एम्स के डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह मुझसे मिलने आए। डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह ने नीट रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह की बेटी ने भी नीट का एग्जाम दिया था। बेटी को 720 में से 696 अंक मिले और रैंक आई 2,632, लेकिन मनचाहा कॉलेज नहीं मिला। डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह का यह मानना है कि अगर नीट में धांधली नहीं होती तो उनकी बेटी की रैंक 500 के अंदर होती और देश के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता। डॉक्टर पुष्पिंदर जो कि देश में डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर तैयार करते हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनको सुनते हैं। और अगर मैक्सिमम जो नंबर होते हैं इसमें वो 720 होते हैं, तो 620 के आसपास कट ऑफ होती है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और अगर 620 से 720 के बीच में हम लोगों की संख्या देखें, स्टूडेंट्स की संख्या देखें, तो पिछले 3 साल 2021, 22 और 23 में कुल मिला के ये संख्या थी 43,246। और सिर्फ इसी साल इसी सेगमेंट 620 टू 720 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 59,000। सो इवन वो 3 साल के मिला लें तो भी उनसे 16,000 कहीं ज़्यादा। दूसरी चीज़, अगर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखेंगे हम तो इस सेगमेंट में पिछले साल के हिसाब से 215% की ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है, जो कि पिछले सालों में अगर हम देखें 21 टू 22 और 22 23 वो लगभग 30-35% के आसपास थी। इसकी एक और चीज़ जो NTA इसकी दलील देता है कि सिलेबस आसान हो गया, हमने कम कर दिया सिलेबस और बच्चों की संख्या बढ़ गई, बच्चों की कॉम्पिटेंस बढ़ गई, बच्चों को अब एग्ज़ाम लिखना अच्छे से आ गया है। सिलेबस जो इन्होंने सर कम किया है वो 3-4 महीने पहले किया है और साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐड भी किए गए प्रैक्टिकल के, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हुआ। फिर जो संख्या है बच्चों की वो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज़ हुई है, तो ईयर ऑन ईयर अगेन मैं बता दूं कि 22 से 23 में 15% इंक्रीज़ हुए थे, इस साल जो 23 लाख हुए हैं वो अराउंड 14% हैं, तो वो 20 लाख से 23 लाख जब हुए हैं तो वो भी तकरीबन उतने ही हैं। मेरी बेटी के टोटल मार्क्स आए हैं 696 आउट ऑफ अ टोटल मैक्सिमम ऑफ 720 टोटल हो सकते हैं, क्योंकि 180 क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने 179 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 180 और 179 में से 175 उनके ठीक थे, तो इसकी वजह से उनके जो स्कोर था 696 आउट ऑफ 720 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और इस स्कोर पे पिछले सालों में जो रैंक होता है वो रैंक लगभग 450 से 550 मैक्सिमम के बीच में होता है अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें, और इस बार जो उनका रैंक आया है इस स्कोर पे वो आया है 2632, जो उसकी रैंक आमतौर पे इस स्कोर पे आती है वो कॉलेजेस उसको नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि उसको टॉप 10 का कॉलेज जो एम्स हो गए, नए वाले एम्स हो गए, या फिर बॉम्बे के जो कॉलेजेस हैं टॉप, वो अगर मिलते 500 में वो अभी इस टाइम नहीं मिल रहे हैं। अब मैं ये देखूंगा कि जितनी रैंक इन्फ्लेशन हुई है,
अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है और बिल्कुल जेन्युइनली होता है, तो अगर उसके 15 नंबर कम भी आते हैं, उसके 680 के आसपास आते हैं, 675 भी आते हैं, शी विल गेट अ बेटर रैंक देन व्हाट शी इज़ गेटिंग नाउ। इन्होंने टॉप 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिस्प्ले किया है। अगर टॉप 100 में इतनी इरेगुलरिटी है, तो हमारी प्रेयर में एक पॉइंट ये भी है कि इनको टॉप 100,000 का डिस्प्ले करना चाहिए, क्लीन एग्ज़ाम हो जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और हमारी मेन प्रेयर ये है कि दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम वॉज फॉल्टी, इट हैज मल्टीपल लीक्स, बहुत जगह पे पेपर लीक्स हुए हैं, और ये जो एग्ज़ाम है दोबारा होना चाहिए सबके लिए। पुष्पेंद्र सिंह डॉक्टर बनाते हैं, इसलिए उनकी कही गई बात बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को ऐसे लोगों से जरूर बात करनी चाहिए जो पीड़ित भी हैं और दर्द की दवा भी देते हैं। अब पटेल सरकार को यह याद दिलाना चाहता है कि एनटीए ने सीयूईटी परीक्षा भी ली थी, लेकिन डेट निकलने के बाद रिजल्ट नहीं बता रही है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट एडमिशन की परीक्षा है। कुल 13,48,000 कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी थी। परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हुई थी। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा 15 से 29 मई के बीच में 379 शहरों में अलग अलग सेंटर बनाकर आयोजित की गई थी। देश से बाहर भी 26 सेंटर थे सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के। एनटीए ने रिजल्ट घोषित करने के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन रिजल्ट तो छोड़िए, अभी तक आंसर की भी अपलोड नहीं हुई है। एनटीए पहले सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में की आंसर शीट अपलोड करेगा, कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, फिर करेक्शन होगा और उसके बाद नतीजे आएंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं कब रिजल्ट आएंगे और कब एडमिशन होंगे। सीयूईटी के रिजल्ट में देरी की वजह से देश की 46 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट प्रोग्राम पर सीधा असर पड़ रहा है। दावा यह है कि अगर सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के रिजल्ट में ज्यादा देर होती है तो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सेशन लेट हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71,000 सीटें हैं जो सीयूईटी स्कोर के बेस पर ही भरी जानी है। पूरे देश की इन पर नजर लगी हुई है, फिर भी सब कुछ ठप है। पटियाल का एनटीए और देश के शिक्षा मंत्री से यहां एक सवाल है, सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट का नतीजा क्यों वक्त पर घोषित नहीं किया गया? एनटीए के सिस्टम में कमी है कहां? नीट पेपर लीक के मामले में हुई बदनामी के बाद भी एनटीए क्यों सुधर नहीं रहा है? एनटीए पर लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा है, लेकिन उनके भविष्य से आखिरकार कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? कैंडिडेट्स कब तक अपने रिजल्ट के इंतजार में यूं भटकते रहेंगे? सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट में देरी पर छात्रों की चिंता आप भी महसूस कीजिए, उनकी बात को सुनिए। मेरे जैसे ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने सीयूईटी के अलावा काफी अलग कॉलेजों में अप्लाई भी किया है, जिनका रिजल्ट आ चुका है। इन कॉलेजों की सीट बुक करने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, और ये कॉलेज ज्यादातर जुलाई के पहले हफ्ते से ही अपना सेशन चालू कर रहे हैं, जिस कारण रिफंड की उम्मीद भी बहुत कम है। हम ये दुविधा में हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं या सीयूईटी के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में जाएं। रिजल्ट तो छोड़ो, अब तक आंसर की भी नहीं पता है, जो कि रिजल्ट के 15 दिन पहले आ जाती है, लेकिन अब तक कोई कंफर्म डेट नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आईपी, जिसमें सीयूईटी के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। जिन बच्चों ने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा है, जिसके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी एक डेडलाइन होती है, जो कि बच्चे सीयूईटी के नतीजा ना आने की वजह से मिस करते जा रहे हैं। रिजल्ट लेट होने की वजह से हमें अपने आगे वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, और अभी जो हमारा करंट टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होनी है। नीट रद्द करने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस फाइल हुए हैं उस पर सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। इसके बीच सीबीआई पेपर लीक की जांच में लगी हुई है और कई राज्यों में उसकी पड़ताल चल रही है। सीबीआई की टीम आज महाराष्ट्र के लातूर पहुंची। लातूर से ही आरोपी जलील पठान और संजय यादव को गिरफ्तार किया गया था। लातूर में एग्जाम माफिया कैंडिडेट्स के अंक बढ़ाने के नाम पर 5,00,000 रुपए वसूल कर रहा था प्रति कैंडिडेट के हिसाब से। पटना में भी सीबीआई हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और एक लोकल पत्रकार जमालुद्दीन से पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपियों की 5 दिन की रिमांड ली गई है और सीबीआई उनसे लगातार इस सिलसिले में सवाल जवाब कर रही है।
सीबीआई की एक टीम आज दूसरे दिन भी बेउर जेल पहुंची और बेउर जेल उन्होंने जेल में क्या किया, वहां पर पटना पेपर लीक मामले के 13 आरोपी बंद हैं। इनमें 6 परीक्षा माफिया से जुड़े हुए लोग हैं और 4 कैंडिडेट और 3 पेरेंट्स शामिल हैं इसमें। कल भी इन 13 आरोपियों से सीबीआई ने पूछताछ की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।